तुम्हें तो रोज मिलती हूँ घर पे। आइए कश्मीरा, ऋषभ आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा तू भी देख ले की जगह है तो बैठ जा, आ जा। वैसे कश्मीरा आई हैव टू आस्क यू कि तुम तो एक्ट्रेस हो, तो तुमने कैसे सोचा कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं? वेल, आपने तो इसको सपना बना दिया था, तो अब एक घर में दो दो हीरोइन नहीं रह सकती ना। वेरी नाइस, व्हाट अ पंच। अर्चना जी 10 साल हो गए अभी हमारी शादी को, तो शुरू से कहती थी चल उधर जा, नीचे बैठ, चल उधर जाके खड़ा हो जा, चल शूटिंग पे जा, चल उस तरफ जा, तो पहले से इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। तो एक चीज तो क्लियर है कि घर पे कृष्णा के ऊपर कश्मीरा की डायरेक्शन चलती है, तो ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आपने फिल्म में भी इनको ले लिया? आइए बैठ के बात करते हैं। एक्चुअली ये हुआ कि हम अच्छी स्वीट फिल्म बनाने जा रहे थे जी। और पहले तो सिर्फ ऋषभ था फिल्म में, और मैं घर में ना क्योंकि एक्टिंग और राइटिंग का शौक भी है, तो मैं रोल सोच के आती थी घर में कि मैं ऐसा एक बहुत अच्छा रोल आया कृष्णा, अच्छा। मैं सोच रही हूँ कि इस एक्टर को कास्ट करूँ। अच्छा। तो ये बोलता था छोड़ना मैं ही कर लेता हूँ। अच्छा। तो ऐसे करते करते इसने खुद 7 रोल्स किए। ग्रेट, वाओ, नहीं नहीं तालियां आपने बजाओ। क्यों? ये क्रिएटिविटी और टैलेंट दिखाने के लिए नहीं अर्चना जी, पैसे बचाने के लिए। हमने सुना है कि जब कृष्णा ने आपको ये फिल्म ऑफर की जी सर, तो उन्होंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, या तो पैसे ले लो या प्रमोशन पे आप कपिल शर्मा शो पे 4 साल चल लो। कैसा लग रहा है आपको? सर पिछले तो आती जाती रहती है जी, तो मैंने कपिल शर्मा शो नंबर 1 है रहेगा, तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है सर। थैंक यू सो मच। वाओ कृष्णा देख लो, मैं सामने बोल रहा हूं, फिल्में तो आती जाती रहती है। मैंने कहा था कपिल की तारीफ करना, मेरी बेइज्जती मत करना यहाँ पर। But I like your confidence, Rishabh. Very good. Thank you. डरने का नहीं प्रोड्यूसर से। तू तो बाँ बाँ क्या कर रही है उसको? बेइज्जती कर रहा है, बोलता आती जाती नहीं की बोल रहा है। Don't mind, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इन दोनों को ना फिल्म से ज्यादा शो पे आने की खुशी है। कृष्णा ये सच है कि ऋषभ आपका कजन है? जी भाई। मुझ पे पंजाब नेटपोटिज्म का आरोप लगाने वाला इंसान, बीवी राइटर, डायरेक्टर, खुद प्रोड्यूसर, हीरो भाई, मैं तो फिर भी पंजाब पूरा लेके आता हूँ, ये तो घर से बाहर ही नहीं निकला। सही बोला। कश्मीरा जी, कृष्णा आपका हस्बैंड भी है, आपका प्रोड्यूसर भी है, दोनों में क्या अच्छा है? प्रोड्यूसर ज्यादा अच्छा है कि पति ज्यादा अच्छा है? कोई दूसरा क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ये पति बहुत अच्छा है। अच्छा। और उससे थोड़ा कम अच्छा प्रोड्यूसर है। ओहो। लेकिन पति बहुत अच्छा है। मैं अगर अगर पति अच्छा नहीं होता राइट, तो ये कभी मुझे डायरेक्ट करने देता नहीं, कभी यू नो ये प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि he really believes in me, तो मुझे स्वीट यार, लव यू भाई, क्या बात है। और मुझे झगड़े होते थे प्रोडक्शन के टाइम पर? हाँ, मींस मैं झगड़ों में बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा बड़ी बात, सबसे बड़ा ऋषभ, आपने इतने दिनों तक काम किया साथ में, ये साफ साफ बताना कृष्णा कितना डरता है कश्मीरा से? सर मैं सच बोलूंगा तो फिर वो मुझे बोलेंगे कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है। हम समझ गए। कृष्णा हो गया इंटरव्यू। ए भाई लेकिन वो भी तो करो ना यार, आप पूछते हो ना अफवाहें। हाँ। बड़े बड़े लोगों से आपके बारे में अफवाहें। वो फिल्म स्टार का होता, तुम्हारा तो झूठ है। अरे नहीं भाई पूछो ना, मैं अपना खुद का लिख के भी लाया था अफवाहें। पूछो ना भाई मेरे से। भाई प्रोड्यूसर बन के बैठो। हाँ भाई। हाँ। भाई प्रोड्यूसर बनना, डिप्टी कमिश्नर नहीं लगे हुआ। हाँ। तो ये कुछ अफवाहें हैं कृष्णा, फर्स्ट अफवाह जो है वो ये है कि आपको लेडीज कपड़े पहनने की इतनी आदत हो गई है कि रात को कश्मीरा की मैक्सी पहन के सोते हो। ये बकवास बात है, रात को पहन के सोते, मैं तो दिन को भी पहनता हूँ।
कश्मीरा, ऐसा सुना है कि जब आपने पहली बार कृष्णा को अपना नाम बताया कश्मीरा, तो ये आपसे मिलने कश्मीर चले गए, क्योंकि इनको लगा कि आपने कहा है कि कश्मीर आ. इज इट ट्रू? जो आदमी रिक्शा पकड़ के अंधेरी से बांद्रा नहीं जाता, पैसे खर्च होंगे वो कश्मीर चला जाएगा. वाओ, ये प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है भाई? एक सेकंड. हेलो, यस, ओके. बाहर फोन आ रहा है सिक्योरिटी वालों का. क्या भाई? बोलते हैं वो 12 रशियन लड़कियां बाहर लड़ रही हैं, उनका पेमेंट नहीं किया आपने फिल्म का. वन सेकंड. फिल्म में तो सिर्फ 8 थे, 12 कैसे हुए? नहीं नहीं, 12 नहीं भाई, 8 होंगे. वो रशियन है ना, उनको गिनती नहीं आती आपस में. 8 थे, मैंने गिने थे, मैंने खुद पेमेंट किया था. ये 4 एक्स्ट्रा कहाँ से आए? मैं चेक करना पड़ेगा भाई मेरे को. आप तो देखिए, क्यों ना मैं जरा चेक करके. मामला बढ़ रहा है. पतली गली पकड़ के निकल रहा है. मैं जरा चेक करके. कश्मीरा, अब यहाँ पे कृष्णा नहीं है. हाँ. तो मैं आपको खाली एक चुगली करना चाहता हूँ कि बहुत फ्लर्ट करता है लड़कियों में यहाँ पे जो भी हिरन आती है. अच्छा. हाँ. वाह, आपको गुस्सा नहीं आता? जब तक फ्लर्टिंग रिजल्ट्स इन पेमेंट, ठीक है. जिस दिन फ्री फ्लर्ट किया ना, तो इसका मटका तोड़ दूंगी मैं. नवंबर में मेरे भाई कृष्णा की पिक्चर रिलीज हो रही है, मरने भी जा रही हूँ, जोर जोर चली हो जाए. ए सुन, तेरे को तो पिक्चर देखनी पड़ेगी. क्यों? कैकू, तेरी माँ मेरे कब्जे में है. मेरी तो माँ ही नहीं है. मानी? अच्छा, तो तेरा बाप मेरे कब्जे में है. मेरा तो बाप भी नहीं है. तू क्या है? माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है. तू क्या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुए था क्या? ईस्ट और वेस्ट, मरने में ऑल्सो बेस्ट. कृष्णा भैया बने प्रोड्यूसर, फिल्म होगी सुपर डुपर. ऐसा बोलते बोलते नाला सोपारा तक जाओ. चलो जल्दी. मेरा टीआरपी भैया कैसा है? अरे वाह, हाय, कैसे आप लोग? हाय, नहीं इतना इज्जत नहीं है, बैठ इधर. बहुत अच्छा लगे ले. आप लोग की पिक्चर देखी मैं, मेरे को मस्त प्रोमो लगा पिक्चर का. एक बार जोरदार ताली हो जाए इनका पिक्चर के लिए. थैंक यू. कप्पू, तेरे को मालूम है आज ऐसा नहीं लग रहा है गेस्ट लोग से बात कर रही है. ऐसा लग रहा है कि ननद भाभी से बात कर रही है ना? सपना ये डायरेक्टर है फिल्म की और ये है मेन लीड है. ये मेन लीड है. कृष्णा भैया ने खुद का पैसा लगाया लेकिन खुद को हीरो नहीं लिए, इसको हीरो लिए. पूछो क्यों? पता है क्या, ये पिक्चर में बार बार सुसाइड करते हैं ना जाके. हाँ. और ये उसको बचाती है. हाँ. अगर कृष्णा भैया हीरो होते. हाँ. तो फिर तो इनके मूड पे डिपेंड करता है बचाने के लिए नहीं बचाने. ऐसा है, इसलिए उसको लिए. मूड बोल रही है सपना. मैं जानता हूँ दोनों को, बड़ा प्यार है इनमें आपस में. हाँ, बड़ा प्यार है. घर आके देख, इनका बेडरूम में ना 6x6 का बेड है, ऐसा बहुत बड़ा. तो वो तो अच्छी बात है ना फिर. हाँ, लेकिन सोती तो है ना उसके ऊपर. कृष्णा जो है ना बेचारा, कहाँ सोता है? 2x2 का चटाई पे नीचे सोते है. और रात को जब ये वॉशरूम जाती है ना. हाँ. उसकी छाती पे पैर रख के जाती है. अच्छा सुनो, प्रॉब्लम ये नहीं कि छाती पे पैर रख के जाती है. हाँ. प्रॉब्लम ये है कि हील पहन के सोती है शाही. ऐसे बोलते हैं, तेरी भाभी है कश्मीरा. अरे भाभी है तो भाभी का फर्ज निभाना चाहिए था ना इनको. क्या? इधर ननद बड़ी हो के बहनों ही जैसी हो गई है. तो बढ़ बढ़ के बहनों ही जैसी हो गई है. इतने लंबे चौड़े हीरो के साथ उसको कास्ट नहीं कर सकती थी क्या? अच्छा, मतलब तुझे हीरोइन भी बनना है? मैं अपनी नहीं, अर्चना जी की बात कर रही हूँ. सपना, हो गया तेरा, चल निकल अभी. नहीं, ऐसा कैसे? मैं बात करेगी आप लोग से. वी हैव ब्यूटी पार्लर. हाँ, हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज है. जी. कप्पू, हम लोग के पास मरने भी दो यारो मसाज है. इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, फैमिली के 4 जन रहते हैं. हाँ.
वो लोग ऐसे थिएटर में जाते हैं, पॉपकॉर्न विपकॉर्न खरीदते हैं, हाँ. फिर आइसक्रीम खाते हैं और थिएटर में बैठ के मरने भी दो यारो एंजॉय करते. इसमें मसाज कहाँ हुई? सब मसाज थोड़ी होती, प्रमोशन नहीं करेगी क्या मैं अपनी पिक्चर के? फिर हम लोग के पास एक और मसाज है, कश्मीरा मसाज. अच्छा. इसमें क्या होता है? इसमें क्या, हम दो कस्टमर को बुलाते, हाँ. दोनों कपड़ा उतारते, हाँ. हाँ. एक को तेल लगाते और कोने में बिठा देते, हाँ. और दूसरे को मस्त मसाज करते. वो देख के जलता है, बोलते कश्मीरा ऐसा मसाज होता. ऐसे रहते. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.